आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹750। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। 1700 ये पक्का? लेट मी चेक। 1750 है भाई, चेंज कर दो इसको। अब देखो जरा, तो दो चीजें हैं यहां पे करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या होगी? बी रुपीज एक्स। एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है, एक बात बताइए, अगर आप कोई पेन बाय करते हैं 7 रुपीज का, तो 3 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? उसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21। और अगर 4 रुपीज की कोई पेंसिल खरीदते हो और मान लीजिए 4 पेंसिल्स बाय करते हो, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इनको आप ऐड करोगे प्लस करोगे तभी तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। अब यहां पर बेटा एक बैट की कॉस्ट 7 रुपीज नहीं है, क्या है? ₹x। अगर एक बैट की कॉस्ट ₹x है तो 7 बैट्स की कितनी होगी? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एक बॉल की कॉस्ट ₹y है तो 6 बॉल्स की कितनी कॉस्ट होगी? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बैट्स की कॉस्ट, ये बॉल की कॉस्ट, दोनों मिलाकर उसने कितने रुपीज दिए हैं? 3,800। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बेटा? नोट डाउन मत करो। सेकेंड केस में वो क्या कह रहे हैं, अगर एक बैट की कॉस्ट ₹x है तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस एक बॉल की कॉस्ट अगर ₹y है तो 5 बॉल्स की क्या होगी? 5y। यहां पे कितना आ जाएगा? 1750। ये रही बेटा मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे ही बिल्कुल करना है। क्या आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं वाई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो 5y को यहीं पर छोड़ दीजिए, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ये वाई यहां पे देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड। तो 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। ये रही मेरी थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? अब जरा देखो, ये कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन, देखो मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन से कैलकुलेट किया है ना, तो मैं किसमें पुट करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन। किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये रहा 7x प्लस 6y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये आ गया इक्वल्स टू 3800। क्लियर है? अब आ जाओ यहां पर, अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। 7x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस देखो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0, 6 5 30, 30 का 0 कैरी 3, फिर 6 7 कितना होगा बेटा? 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 45, कैरी कितना आ गया? 4, फिर 6 1 6 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10। माइनस, अब ये 6 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, 6 3 बेटा कितना आ जाएगा? 18x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3800। एलसीएम लीजिए, 35x प्लस 10500 माइनस 18x डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 35 में से 18 माइनस करोगे, 17x प्लस 10500 3800 × 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा आंसर आ जाएगा 19,000। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा?
माइनस यहां पर कितना बचेगा 17x, ठीक है 17x इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0, 10 माइनस 5 विल गिव यू 5, 8 माइनस 0 विल गिव यू 8 एंड 1 माइनस 1 विल गिव यू 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 17, 5 जा बेटा कितना होता है 85 ही तो होता है, 75 जा 85, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 500 जा, तो कॉस्ट ऑफ अ बैट इज रुपीज 500, क्लियर हो गई बात या नहीं। अब आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 500 इन कौन सी इक्वेशन बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 500 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 5, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो 1750 माइनस इसको करोगे तो 1500 डिवाइडेड बाय 5, माइनस करो बेटा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहां पर 250 आ रहा है डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ रहा है बेटा 50, ठीक है। यहां पे बेसिकली y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब हमने x को क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ अ बैट, y को क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ अ बॉल। यहां पे लिखोगे कॉस्ट, अच्छे बच्चों की तरह है, कॉस्ट ऑफ अ बैट इज रुपीज कितना 500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज रुपीज कितना 50। समझ में आ गई बात या नहीं, तो एक बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज, बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज, ठीक है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट।